मतलब आप सोचिए, लाठी डंडे चलना बाकी रह गया, बस और क्या। तो लाठी डंडे कुर्सियां चलना बाकी रह गया, कागज फाड़ कर फेंक दिए, शीशा तोड़, पेपर फाड़, मार कुटाई, खींचतान, मेज पर चढ़ गए, रूल बुक से अटैक कर दिया, महिला मार्शल पर अटैक कर दिया, गुत्थम गुत्था, हाथापाई, खींचतान, लड़ाई, वो भी महिला मार्शल के साथ, उनको चोटें आई, सब कुछ हो गया। मतलब जब ये तस्वीरें पूरा देश देख रहा था, एक बार ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाइए, ये तस्वीरें जब पूरा देश देख रहा था, एक बार फुल स्क्रीन ये देखिए आप, तो वैसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान या वेनेजुएला की संसद है, जहां पर मुक्केबाजी, पता नहीं लात घूंसे सब चल चुकी है, लग रहा था। विपक्षी सांसदों ने महिला मार्शलों पर गैंग अटैक करके भारत की तस्वीर वैसी ही बनाने की पूरी कोशिश की थी, पूरी प्लानिंग थी। बीच में आपको नजर आ रही है महिला मार्शल जिनको देखे घसीटा गया, व्हाइट ड्रेस में महिला मार्शल, उनको घसीटा गया और उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उनको मारा भी गया, बल्कि उनका सर भी टकराया है, ये तो वीडियो सामने आ गया। मतलब सोचिए, महिला मार्शल को खींचा गया, घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, और जो दो जिन पर आरोप हैं, दो महिलाएं जिन्होंने घसीटा खींचा, ये हैं छाया वर्मा और जो कांग्रेस की सांसद हैं और फूलो देवी नेताम, पीवी नेताम, ये दोनों कांग्रेस की सांसद हैं जो बाहर कह रही हैं कि इनके साथ मार पिटाई हुई है, ये कह रही हैं, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और बयां कर रही हैं कि दोनों ने महिला मार्शल को घसीटा, पीटा, खींचतान की उनके साथ, उनको मारा, सब कुछ हुआ। मतलब आप सोचिए, हद हो गई। हद तब हुई जब संसद में गैंग अटैक और सड़क पर ड्रामा। उनसे बात की जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने, जो दो महिलाएं हैं, दो सांसद हैं, छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम, दो कांग्रेस की MP जिन पर आरोप है, जो तस्वीरें बता रही हैं, जिन्होंने महिला मार्शल के साथ बदतमीजी की, उनको घसीटा, खींचा, पीटा, उनसे बात की, वो क्या बता रही हैं और वीडियो क्या है, दोनों चीजें आप देखिए और समझिए, सुनिए आप। महिला मार्शल थे सामने, हमने उनको थोड़ा सा ऐसे हटाने का कोशिश की, पर वहाँ पुरुष जो मार्शल थे, उन लोग वो हमें धक्का दिया और हम गिर गए, जिसके तहत हाथ में मेरे को 3-4 जगह चोटें आई हैं। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता KK शर्मा जी हैं, इसके अलावा मेरे साथ शहजाद पूनावाला लाइव जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया और शिवसेना से किशोर तिवारी हैं, क्योंकि आज शिवसेना को तो पाकिस्तान बॉर्डर नजर आया था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान बॉर्डर जैसे हालात हैं, ये संजय राउत साहब कह रहे थे। लेकिन पहले मैं KK शर्मा जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सेंट्रल मिनिस्टर्स की तरफ से, उन्होंने कहा यह सुनियोजित अटैक था विपक्षी सांसदों की तरफ से, प्री प्लान्ड अटैक था। आपके पास इस दावे को पुख्ता करने के लिए यही वीडियो है, कुछ और आप, क्योंकि आप कह रहे हैं प्री प्लान्ड अटैक था। शर्मा जी, ऐसा है अमन जी, कि विपक्ष जो आज के दिन में नेतृत्व विहीन है, मुद्दा विहीन है, जिसके पास आज कोई विषय नहीं बचा है, कि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं सामने इनको दिख रहा है, तो इसलिए अब ये आमादा है आतंक पैदा करने के लिए। मैं बहुत सोच समझ के इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं अमन जी, एक आतंक का माहौल किस तरह सदन के अंदर पैदा किया जाए, ये इसकी एक कोशिश है। तो आप ये आतंक का माहौल कह रहे हैं, तो विपक्षी सांसदों को आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है ना? मैं समझ रहा हूं सर, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आतंक, आप मेरी शब्द को पहले एक बार सही ढंग से समझ लें, ये सदन के अंदर आतंक का माहौल कैसे पैदा किया जाए, दहशत कैसे पैदा किया जाए, इसका एक ये जीता जागता उदाहरण पिछले 4-5 दिनों से जो सदन के अंदर देखने को मिला। शुरुआत से इन्होंने कोशिश तो ये जरूर की थी कि किसी तरह हंगामा करके सदन को चलने नहीं देना, क्योंकि इनको मालूम है एक बात, कि यदि हम सदन पे बहस करेंगे तो हमको माकूल जवाब मिलेगा और हमारी कलई खुल जाएगी, और एक कोरोना के 3 घंटे का जो राज्यसभा में बहस हुआ था उससे स्पष्ट हो गया था कि इनके पास जवाब नहीं है। शर्मा जी, महिला मार्शल की क्या गलती थी? नहीं, उनको क्यों मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, उनकी क्या गलती थी? विपक्षी सांसदों को आपसे प्रॉब्लम हो सकती है भाई, सरकार से हो सकती है, महिला मार्शल को क्यों नहीं? इसीलिए तो इसके 4 दिन पहले की घटना भी देखिए ना अमन जी, जब 6 सांसदों को जिनको बाहर निकाला गया था वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने संसद का कांच तोड़ा,
कांस तोड़ा, तोड़ने से उस महिला, एक महिला जो गार्ड है उसके गले में बकायदा चोट लगी, और इस तरह चोट लगी कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उसने जो है डिप्टी स्पीकर, स्पीकर को लेटर लिख के अपनी सुरक्षा मांगी है, और उसने कहा है कार्रवाई होना चाहिए उन सांसदों के ऊपर में। ये जितने तो सांसद हैं ना, मुझे लग रहा है ये लोग ना, शर्मा जी, ये लोग ना बजरंग पुनिया या ये रवि दहिया से बड़ा इंस्पायर होकर आए हैं ओलंपिक में। इन्होंने WWE का रिंग बना दिया है, ये तो अखाड़ा, राजनीतिक अखाड़ा है, ये तो इन्होंने कुश्ती का अखाड़ा बना दिया, संसद को WWE का रिंग बना दिया। ये रवि दहिया और पुनिया अवतार में नजर आई, ये विपक्षी सांसद, महिला बाहर दुहाई दी जाती है महिला सम्मान की, मतलब बाहर महिला सम्मान की लड़ाई और अंदर महिला मार्शल की पिटाई। ये कांग्रेस के दो सांसद पकड़ी गई हैं, वीडियो में पकड़ी गई हैं, सबूत है। अच्छा आप कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट बोल लीजिए। मैं इसी को कहता हूं कि चोरी और फिर सीना चोरी, ये आज इनकी विपक्ष की ये हालत हो गई है कि चोरी भी कर रहे हैं, अंदर जो है दहशत भी फैला रहे हैं। अरे आप इसको क्या कहेंगे अमन जी, कि टेबल के ऊपर खड़े होकर यदि ये जो है उछल के नाच रहे हैं, रूल बुक को उठा के स्पीकर के ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये दहशत नहीं पैदा करना चाहते तो क्या पैदा करना चाहते हैं? कोई सामान्य अपर उच्च सदन में वहां पर कई अच्छे उम्रदराज लोग भी बैठे हुए हैं, आप इस तरह फेंक के किसी को मार रहे हैं तो आप दहशत पैदा करना चाहते हैं? मेरे साथ केसी त्यागी भी जुड़ गए हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे साथ केसी त्यागी जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, वो भी जुड़ गए, लेकिन पहले किशोर तिवारी शिवसेना से हैं। किशोर तिवारी जी, बोलने नहीं दिया जाता ये आप लोग कहते हैं, बोलने नहीं दिया जाएगा तो मारेंगे पीटे? अनुराग देखो, करण चोपड़ा जी, मुझे एक बात मुझे बतानी है कि जिस प्रकार का जो इरिस्पॉन्सिबल कंडक्ट हुआ सरकार के तरफ से और विपक्ष के तरफ से भी, उसको लोगों ने नागवार गुजरा, ये बात ठीक है, लेकिन आप मार्शल लगा के सांसदों को पिटवाओगे? मार्शल का रोल कितना होता है? बहुत लिमिटेड होता है। एक सांसद क्या दूसरे सांसद को मारेगा? एक सांसद क्या स्पीकर को कुछ करेगा? ऐसा हो नहीं सकता। मुझे बताइए तिवारी जी, ये पूरा भड़काऊ मार्शल लगाएंगे तो उनको मारेंगे? क्या क्या जस्टिफिकेशन, क्या बोल रहे हैं आप? मैं मार्शल लगाएंगे तो उनको मारेंगे? आप लोग माननीय है ना? मारा मतलब ये मेज पर चढ़ने वाले मार्शल को मारने वाले माननीय है? ये तो गली मतलब जैसे होता है ना गली क्रिकेट, हम लोग गली कूचे में जो क्रिकेट खेली जाती है, कोई नाराज हो गया ना बल्लेबाज, वो आउट हो गया, वो बल्ला उठाकर मार देता है रेफरी को कि मैं नहीं खेला वो, मतलब ये ऐसा हाल है। रूल बुक उठाकर फेंक दी महिला मार्शल, मतलब महिला मार्शल को मारा पीटा, उनकी पिटाई हुई, आप कह रहे हैं मार्शल क्यों? उनकी क्या गलती, किसको जस्टिफाई कर रहे हैं आप? बस ऐसा ही है, ऐसा ही आप जैसा मुझे बोलने नहीं दे रहे ना, वैसा ही माहौल लोकसभा राज्यसभा में मोदी जी ने बनाया। मुझे भी मारते, मोदी मुझे भी मारेंगे, लोकतंत्र की हत्या, बोलने नहीं देंगे तो मारेंगे? नहीं, वही तो हुआ, आप मार्शल लगा के पिटवाओगे, ये भी गलत है ना? किसने फेंकवाया? वो महिला मार्शल को फेंका गया है, बोलते हो महिला मार्शल को फेंका गया। तिवारी जी आप तस्वीरें देखिए, उनको खींचा गया, घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, सर फोड़ा गया उनका, कहां है आप? देखिए तस्वीरें, कांग्रेस के सांसद हैं छाया वर्मा और पीवी नेताम, फूलो देवी नेताम, ये सब तस्वीरों में कैद हुआ है। तिवारी जी किनको बचा रहे हैं आप? मातोश्री माताश्री हो गया है क्या? क्या कर रहे हैं आप लोग सर? अरे मुझे बात करो, फूलो नेताम से मैंने बात किया, हाँ जी, उसको उसने धक्के मार मार के पीछे किया। अच्छा एक बार ऐसा करिए, मैं त्यागी जी और शहजाद पूनावाला के पास जाऊंगा, अनुराग आ रहा हूं, पहले ये फुल स्क्रीन पर तिवारी जी को तस्वीरें, पूरा देश देख ले जो मैं कह रहा हूं, जो तिवारी जी कह रहे हैं, ये फुल स्क्रीन पर एक बार तस्वीरें आराम से देखिए इन तस्वीरों को, और खुद तय करिएगा कौन पिट रहा है और कौन पीट रहा है। ये सफेद ड्रेस में जो है, जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है व्हाइट कलर का, वो महिला मार्शल है, ये देखिए उनको घसीटा गया, खींचा गया, ये देखिए फूलो देवी नेताम कांग्रेस की सांसद जो कह रही है मुझे मारा गया, तस्वीरें तो बयां कर रही है, उन्होंने मारा है, उन्होंने मार्शल ने धक्के मारे भाई सर, तस्वीरें देखिए ना सर, मारा। आप जो कह रहे हैं उसका कोई वीडियो नहीं है मेरे सामने, ये वीडियो है, इसमें वो घसीट रही हैं, पीट रही हैं, उनका सर फोड़ा गया, ये तो फूलो देवी पीवी नेताम और छाया वर्मा, ये तो तस्वीरें हैं महिला मार्शल के साथ, या तो तस्वीरें झूठ बोल रही हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। देखो एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, फिर आप अनुराग को दे देना कि चार चार कैबिनेट मिनिस्टर
सरकार के लोकतंत्र कुचलने को बचाने आए थे, ये सिद्ध करता है कि सरकार ने लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास राज्यसभा और लोकसभा में किया है, और ये चीज मोदी जी को बहुत महंगी पड़ेगी। आज आदिवासी पूरे नाराज हो गए क्योंकि फूलो देवी नेताम को वहां मारा गया है। दिस इज वेरी बैड। आपको महिला मार्शल से, आपको महिला मार्शल से रद्दी भर सहानुभूति नहीं है जो उनके साथ हुआ? आपको रद्दी भर सहानुभूति नहीं है? आपकी पॉलिटिक्स के चक्कर में आप महिला मार्शल की पिटाई भी कबूल है? कार्यकर्ता बन गई है उनको मार्शल तो बीजेपी की कार्यकर्ता बन गई है। फिर मैं अनुराग और शहजाद आपके पास आऊंगा। केसी त्यागी जी, मेरी आपसे कल भी बात हो रही थी, आज भी आप मेरे साथ हैं। कुछ बचा है आप? सर मेज पर चढ़कर रूल बुक फैलकर महिला मार्शल को पीट दिया गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है मेरे ख्याल से सर, या इससे आगे भी कुछ हो सकता है? त्यागी जी, देखिए जो प्रोडक्टिविटी है पार्लियामेंट की वो कई अवसरों पर इतनी ही कम रही है जितनी इस बार रही है। मुझको याद पड़ रहा है 2010 का भी, जब सीएजी ने जेपीसी की डिमांड के लिए, जब 2G स्पेक्ट्रम में सीएजी की रिपोर्ट के बाद हुआ था, तब भी प्रोडक्टिविटी कम हुई थी। तेलंगाना को लेकर के 2013 में संयुक्त आंध्रा बट रहा था, तब भी कम हुई थी। और भी एक दर्जन मौके और हैं जब कभी 13%, कभी 17%, कभी 6%, कभी 2% कम हुई है। लेकिन इस बार जो परंपराएं हैं उनका टूटना मुझको जरूर अफसोस देने लगता है। जैसे कोई भी प्रधानमंत्री हो, आपकी मर्जी का हो, आपकी मर्जी के खिलाफ हो, जब मेरे तीनों चारों मित्र शायद इस पे एग्री करेंगे कि जब नए मंत्री परिषद में शामिल होते हैं और जो संसद का पहला दिन होता है उसमें मंत्रियों का परिचय कराया जाता है कि अमुक अमुक मंत्री हमने इंडक्ट किए हैं, ये इनके नाम हैं, और वो खड़े होकर के सदन में अभिवादन करते हैं। ये 1952 से, बल्कि अंतरिम सरकारों से चली आ रही परंपरा है। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे अपोजिशन के मित्रों ने इस परंपरा का भी निर्वाह नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री खड़े होते हैं, मंत्रियों का परिचय देने के लिए एक एक मंत्री का नाम पुकारा जाता है। आप, मेरा आपसे ये भी अनुरोध होगा कि वो भी जरा दिखा दीजिए, देश को जानना चाहिए कि जो रूल बुक मेरे पास रखी है राज्यसभा लोकसभा के संचालन की, इसको तो कम से कम होने दो भाई, इसमें क्या दिक्कत है आपको? आप किस सवाल पर बहस चाहते हो? संसदीय कार्य मंत्रणा समिति बनती है, 9:30 बजे रोज बैठक होती है, सभी दलों के उसमें प्रोमिनेंट सांसद होते हैं, मैं भी उसका मेंबर रहा हूँ, सभापति होती है, लोकसभा की स्पीकर होती है, वहाँ तय हो जाता है। पेगासस पर भी बहस होनी चाहिए, हमारी पार्टी कह चुकी है, लेकिन आप पेगासस पे पहले दिन और पहले घंटे बहस हो ये जिद नहीं कर सकते। आप 267 का नोटिस दे सकते हो कार्य स्थगन प्रस्ताव का, इतना तो मानो कि स्पीकर का पेरोगेटिव है टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट। सर मैं आपकी ना सारी वो अगली बार कर लेंगे। सर मैं आप बहुत सीनियर, मैं आपको टोकना नहीं चाहता था सर, लेकिन सारी बातें, चलिए पेगासस पर बहस नहीं होने दे रही सरकार, चलिए मैंने मान लिया, बोलने नहीं दिया जा रहा विपक्ष को, मैंने मान लिया, कैमरे पर नहीं दिखाया जा रहा, मैंने मान लिया, लेकिन बोलने नहीं दिया जाएगा, पेगासस और बहस नहीं होगी तो क्या महिला मार्शलों को पीटा जाएगा? क्या चेयर पर अटैक किया जाएगा? क्या मार कुटाई होगी, खींचतान होगी, क्या शीशे तोड़े जाएंगे? क्योंकि बोलने नहीं दिया जा रहा और पेगासस पर चर्चा नहीं हो रही, ये कहां से जस्टिफाई है सर? नहीं, मेरी आपकी बात में ज्यादा फर्क नहीं है, मैं तो अपनी पार्टी का व्यू पॉइंट बता रहा हूँ कि जो अपने विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि पहले इसी पे चर्चा हो, ये कोई जरूरी नहीं। और शीशे पहली बार नहीं टूटे, शीशे ये पहले भी तोड़ चुके हैं एक बार, समझे जी? उसका भी मैं देख रहा था अभी कि शीशा पहले भी टूटा, लेकिन ऐसी स्थिति लोकसभा राज्यसभा में आए, और मैं बहुत तकलीफ के साथ आपसे एक और बात कह दूँ जो मैं कहना नहीं चाहता था, इस पे सेंट्रल हॉल के अंदर पीछे की तरफ गार्ड बैठते हैं, मैं कई मौके पर मैंने देखा है कि माननीय MP जा रहे हैं और गार्ड ने खड़ा होना बंद कर दिया है। कम से कम यही सोच लो कि आपकी स्थिति क्या होगी। क्यों
कि क्या अब वहां के कर्मचारी भी आपको नमस्ते नहीं करेंगे? ऐसा आपने माहौल बना दिया, ऐसी आपने छवि बना दी। हम तो नवी लोकसभा में आए थे, ये तो 17वीं है, और सांसद जब आते थे तो अंदर से लेकर बाहर तक ऐसा रिसेप्टिव एटमॉस्फेयर होता था, नमस्ते साहब, नमस्ते साहब, नमस्ते साहब। केसी त्यागी जी, अगर आप इजाजत दें, लेकिन मेरे साथ, हमारी गरीब, मेरे साथ इस वक्त अनुराग ठाकुर हैं, वो लाइव हैं सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी रहे मेरे साथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग ठाकुर जी, केसी त्यागी से मैं बात कर रहा था, अब मैं आपसे बात करूंगा। अनुराग ठाकुर, मैंने आपकी पीसी भी सुनी, आप सबने कहा ये प्री प्लान्ड सुनियोजित अटैक था, कैसे? देखिए, पहले दिन से ही कांग्रेस का और विपक्षी कुछ दलों का ये प्रयास रहा कि सदन इस बार चले ना, वॉश आउट हो, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब सदन से बाहर थे, सड़कों पर थे ये लोग, तब मांग करते थे कि सदन चले, वहाँ पर चर्चा हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कोविड पर चर्चा बुलाई, सबको अवगत कराने के लिए सारे फ्लोर लीडर्स को बुलाया, तब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसमें नहीं आई, उसका बहिष्कार किया। और जब राज्यसभा में किसानों पर चर्चा शुरू हुई, तो चर्चा करने की बजाय ये होड़ लगी थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कि कौन कितनी हुल्लड़बाजी कर सकता है, कौन टेबल पर चढ़कर नाच सकता है, कौन फाइलें फेंक सकता है, कौन कितना दुर्व्यवहार कर सकता है। ये अपने आप में बड़ी शर्मनाक घटनाएं थी। और जब किसी मंत्री ने पेगासस पे उत्तर देने की बात की, स्टेटमेंट देने की बात की, तो उनके हाथ से स्टेटमेंट लेके फाड़ दी गई। आखिरकार विपक्ष चाहता क्या था? जब सड़क पे थे तब कहते सदन में चर्चा हो, सदन में आए तो सड़कों से गंदा व्यवहार किया। आखिरकार लोकतंत्र को कितना और शर्मसार करना चाहते हैं? ये भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। माननीय त्यागी जी बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, ये जानते हैं कि इतने वर्षों तक सांसद रहने के बाद शायद इन्होंने भी कभी ऐसा व्यवहार ना देखा हो। मैं तो 4 बार का सांसद हूं लोकसभा का, मैं विपक्ष में 2 बार रहा, 2 बार सत्ता पक्ष में हूं, इस तरह का व्यवहार मुझे नहीं लगता। ये तो होड़ मची थी कि कौन कितना ज्यादा नीचे गिर सकता है, कौन भारत को कितना ज्यादा शर्मसार कर सकता है, कौन कितना वॉशआउट कराने में अपना योगदान दे सकता है। तो इसको पूरी तरह से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी में एक होड़ थी कि कौन कितना खराब प्रदर्शन करके भारत को शर्मसार कर। अनुराग जी, वहां से ये कहा जा रहा है कि बाहर से प्राइवेट लोगों को नीली वर्दी पहनाकर मार्शल बनाकर अटैक करवाया गया। राहुल गांधी जो वायनाड से सांसद है, उन्होंने ये कहा है। मैं देखिए, राहुल जी के झूठ के कारण ही उनको अमेठी के लोगों ने हराया भी, बाहर का रास्ता दिखाया भी, और झूठ बोलने की उनकी एक आदत बन गई है। दुर्भाग्य यह है कि जिस पार्टी, जो देश की अपने आप की सबसे पुरानी पार्टी कहती है, सत्ता में सबसे ज्यादा वर्ष रही, वो 2 साल से अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पाई है। यह अराजकता कांग्रेस पार्टी की है, और निर्णय ना करने की क्षमता कांग्रेस पार्टी की है, नेतृत्वहीन कांग्रेस पार्टी है, और दृष्टिहीन भी मैं एक तरह से कहूंगा, कि जिनको यही नहीं पता कि सदन में आकर जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना है, वो ये कहें कि बाहर के लोग लाए गए। अरे 12 महिला सिक्योरिटी ऑफिसर जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की टीम है वो थी, कांग्रेस की महिला सांसदों ने उनको गले से पकड़कर खींचा है, ये वीडियो पूरा देश देख रहा है, कांग्रेस पर हाहा थूथूकार कर रहा है। क्या इस तरह के किसी संसद सदस्यों का व्यवहार हो सकता है, और भी महिला सांसदों का? मैं सोचता हूं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कांग्रेस की संस्कृति के ऊपर। सर वो कह रहे हैं ये मार्शल थे ही नहीं, ये बाहर से आप लोगों ने, सरकार ने प्राइवेट लोगों को बुलाया था और वर्दी पहना दी नीली और अटैक करवा दिया। ये उतना ही झूठ है जितने इनके पेगासस के आरोप है। और मैं इसलिए कहता हूं, मैंने पेगासस पे भी कहा था, इनका एक नेता नहीं गया किसी थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए। क्यों नहीं गए? क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। इसमें भी ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये सिक्योरिटी का वही स्टाफ है जिनके ऊपर कुछ दिन पहले तृणमूल के सांसदों ने अपना मोबाइल शीशे पर मारकर कांच तोड़ दिए थे दरवाजे के, और उनकी गर्दन पर लगे, उनके बाजुओं पर लगे, उनको पट्टियां करवानी पड़ी। सदन के बाहर ये करते हैं, सदन के अंदर ये करते हैं। क्या आखिरकार इनको चर्चा करने के लिए बुलाया गया है कि चीरफाड़ करने के लिए बुलाया गया है? लोकतंत्र की कद बढ़ाने के लिए बुलाया गया है कि लोकतंत्र को शर्मसार करने के लिए बुलाया गया है? एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल का
एक तरह से परिचय करवाना चाहते थे, वो परिचय नहीं करवाने दिया, फिर भी मोदी जी ने धैर्य रखा। उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा कि तुम नए बने हो, सांसद नए बने हो, राज्यसभा में जाकर बैठो, वहां पर देखो कि हमारा अपर हाउस कितनी अच्छी डिबेट करता है। लेकिन अपर हाउस में राज्यसभा में जो हुआ, त्यागी जी बहुत लंबे समय तक इसके सदस्य रहे, वो कह सकते हैं शायद ही इस तरह का कभी व्यवहार हुआ हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनको जितना ज्यादा कड़े से कड़ा इनके ऊपर कदम उठाए जाएं, वो एक सबक होगा। सर, वो कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा विपक्षी सांसद कहते हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता। सॉरी, विपक्षी सांसद कह रहे हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनके विरोध को कैमरे पर दिखाया नहीं जाता। क्या नहीं बोले? बोलिए आप सर। मैं आपसे पूछता हूं, ओबीसी पर चर्चा हुई क्या उन्होंने भाग लिया? लिया। डिवीजन मांगा क्या डिवीजन दिया? दिया। क्या किसान पर चर्चा मांगी? दी दी। इकोनॉमी महंगाई पर चर्चा मांगी स्पीकर ने, चेयरमैन ने, वो भी मंजूर की। तो कहा नहीं किया? पेगासस पर कहा तो मंत्री ने सुओ मोटो स्टेटमेंट दी, उसको फाड़ दिया गया। आखिरकार चर्चा में तो विपक्ष को बोलना है, लेकिन डिन में आकर, वेल में आकर हाउस के अगर हल्ला करेंगे, कागज फाड़कर चेयर पर फेंकेंगे, टेबल पर कूदेंगे, सिक्योरिटी वालों को गले से पकड़ेंगे, तो क्या करेंगे? क्या ऐसे लोकतंत्र में चर्चाएं होंगी? ऐसे सदन चलेगा? एक आखिरी सवाल है। और मुझे लगता है अपनी कार्रवाई से डरने के लिए, कार्रवाई के डर से ही इन लोगों ने कदम उठाया कि चेयरमैन के पास गए, जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से जाने की बात की। आपको तो देश को इनके वो वीडियो दिखाने चाहिए जहां कांग्रेस की महिला सांसदों ने सिक्योरिटी वाले को गले से पकड़ा। आपको वो दिखाना चाहिए जब इन्होंने गेट को तोड़ा। आपको ये दिखाना चाहिए शीशे को तोड़ा। आपको दिखाना चाहिए कैसे टीवी को भी उखाड़ फेंकने के लिए हर तरह के प्रयास इन्होंने किए। और कई तो ऐसे चित्र हैं जो शायद जनता के सामने कभी ना आ पाए कि क्या क्या इनके सांसद अंदर करते रहे। हम लगातार दिखा रहे हैं अनुराग जी, छाया वर्मा है कांग्रेस की सांसद और फूलो देवी नेताम, पीवी नेताम, ये दो महिला सांसद है कांग्रेस की जिन्होंने ये सब किया। मेरा सवाल आपसे ये है, मतलब ये उच्च सदन में निम्रता की सारी हदें तोड़ दी गई, शीशा तोड़ा, पेपर फाड़ा, मारकुटाई, खींचतान, मतलब उनको चोटें भी आई, सारी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। पीछे मकसद क्या हो सकता है आपके हिसाब से? क्यों ये सब, मतलब महिला मार्शलों को मारना, पीटना, शीशा तोड़ना, क्यों? मतलब इससे क्या लॉन्च हो जाएंगे राहुल गांधी, या रिलॉन्च के लिए सब किया गया? क्यों ये सब क्यों करना? आखिरी सवाल है। इन्होंने लोकतंत्र की लाज को तार तार किया है, अराजकता फैलाने का काम किया है, और जो पार्टी बाहर पिट गई हो चुनावों में, जनता ने नकार दिया हो, जिसके पास मुद्दा कोई ना बचा हो, वो झूठ को आगे रख के मुद्दा बनाने का प्रयास करें और सरकार को बदनाम करने का प्रयास करें। और ये उस तरह की हरकतें थी, मैं आपके चैनल पर जी पर कहना चाहता हूं, ये उस तरह की हरकतें थी जैसे 26 जनवरी को कुछ लोगों ने लाल किले पर जाकर की, हिंदुस्तान को बदनाम करने की। उसी तरह की तर्ज पर सदन के अंदर टेबल पर चढ़कर, पीठ पर फाइलें फेंककर, सिक्योरिटी वालों को गले से पकड़कर, शीशे तोड़कर, लोकतंत्र को बदनाम करके दुनिया भर में भारत की बदनामी करने का काम सदन के अंदर किया गया, तो वहीं दूसरी ओर लाल किले पर भी 26 जनवरी को काम किया गया। एक 26 जनवरी को, तो दूसरा 15 अगस्त से पहले 11 अगस्त को किया जाता है। ये घटनाएं छोटी नहीं है। हिंदुस्तान इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी को ही बदनाम नहीं किया, सदन को भी और देश को भी शर्मसार करने का। मकसद बता दीजिए ना, क्यों, क्या राहुल गांधी रिलॉन्चिंग के लिए सब कर रहे हैं? क्या मकसद क्या है, क्यों करेंगे ये सब? महिला मार्शलों को क्यों पीटना भाई? देखिए, जिनको अपनी पार्टी के अंदर ही कोई मानने के लिए तैयार ना हो, जहां G23 की बैठकें अलग अलग होती हो, जिनको अपने अंदर नेता कोई मानने के लिए तैयार ना हो, जिनकी पार्टी के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया हो, किसी की बात सुनने के लिए कोई तैयार ना हो, वो बाकी जगह भी वैसी ही अराजकता फैलाना चाहते हैं। वो एक परिवार की पार्टी है, वो किसी दूसरे गरीब माँ के बेटे को एक चाय बेचकर यहां तक पहुंचने वाले ईमानदार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री 7 साल के बाद भी कांग्रेस मानकर राजी नहीं है। इसीलिए उनका एक के बाद दूसरा कदम जो है वो उसी दिशा में है कि बार बार मोदी जी पर झूठे आरोप लगाएं, और बार बार जनता ने भी उनको नकारा और कानून में भी उनको नकारा ही गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर, आपने समय निकाला जी न्यूज के लिए, ताल ठोके के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, कुछ वैसा ही प्रकरण या दंगा कह लीजिए संसद के अंदर करने की कोशिश की गई। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि जैसा 26 जनवरी को हुआ था, कुछ वैसा ही पैरेलल
संसद के अंदर करने की कोशिश की गई। शहजाद पूनावाला, अनुराग भदौरिया और बस ये दो मेहमान, मैं उसके बाद फिर सबके पास आऊंगा, लेकिन पहले एक एक कमेंट जल्दी से, बहुत देरी से आ पा रहा हूं, माफी के साथ। आपके पास पहले शहजाद आपके, फिर अनुराग मैं आपके पास आऊंगा। शहजाद पूनावाला, पहले आप बोलिए, बोलने नहीं दिया जाता है भाई, कैमरे पे दिखाई नहीं दिया जाता है। अमन जी, आज जो कैमरे में कैद है, मैं कहूंगा कि संसदीय मर्यादाओं के चीरहरण के दुर्योधनों का चेहरा आज कैद हो चुका है कैमरे पर। और ये क्यों किया जाता है? सवाल सिर्फ इतना है कि इनको दरअसल संसद में चर्चा चले ये चाहिए ही नहीं था। दरअसल ये कोविड की चर्चा हो, किसान आंदोलन की चर्चा हो या बाकी तमाम मुद्दे हो, उनसे भागना चाहते थे। इसीलिए पहले पेगासस का बहाना और फिर हिंसा पर उतर आना। और ये हिंसा भी सोची समझी और सुनियोजित थी। ये इसलिए क्योंकि देखिए, ये लगातार जो कोशिशें की जा रही थी, पहले मंत्री के हाथ से कागज खींचना, फिर मेज पर खड़े हो जाना। आप किशोर तिवारी कह रहे कि आप उनको बोलने नहीं दे रहे, मुझे तो सिर्फ शक है कि वो कहीं अपनी मेज पर खड़े ना हो जाए यहाँ पर। फिर उसके बाद आपने देखा महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाले और दम भरने वाले लोग, आज एक महिला मार्शल को यहां पर बैठा हुआ एक व्यक्ति बीजेपी का कार्यकर्ता भी कह रहा है, और दूसरा उनके साथ जो व्यवहार किया गया, तो आज यह भी नहीं कहा जा रहा कि हम माफी चाहते हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। एक सेकंड, मुझे अपनी बात केवल समाप्त करने दीजिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो राहुल गांधी करते हैं वो बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर, क्योंकि परिवार तंत्र पर हमला होता है तो लोकतंत्र पर हमला बोल देते हैं। देखिए, लोगों ने आपको चुना नहीं, इसलिए कभी सुप्रीम कोर्ट पर महाभियोग लाना, कभी उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ना, फिर आर्मी को गाली देना, और आज संसद पर ही एक तरीके से हमला करना, यह कहते हुए कि ये आरएसएस के गुंडे थे। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रतिनिधि ये सबूत दे दे, पटल पर रख दे आपके शो के, कि उनके पास क्या सबूत है कि आरएसएस के गुंडे थे। अन्यथा उनको सार्वजनिक रूप से आज माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि न केवल उन्होंने महिला उस मार्शल की जो है सम्मान को ठेस पहुंचाया है, पर आज पूरे देश के लोकतंत्र को सम्मान को ठेस पहुंचाया है। और आज केवल वाइस प्रेसिडेंट नहीं, पूरा देश का लोकतंत्र रो रहा है। और खासकर मेरे ख्याल से अनुराग भदौरिया भी हैं, मैं फिर तिवारी जी आपके पास आऊंगा, केसी त्यागी भी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले अनुराग भदौरिया, आप तो महिला सम्मान को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं। जब जब मेरी आपसे डिबेट हुई, हाथरस से लेकर हर मुद्दे पर आप महिलाओं को लेकर हमेशा बहुत, आपकी आवाज बहुत मुखर रहती है। महिला मार्शल को मारा है, उनको पीटा गया कांग्रेस सांसदों की तरफ से। देखिए, तकलीफ इसी बात की है कि महिलाओं का अपमान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और लगातार चाहे सदन के अंदर अपमान हो रहा हो, चाहे रोड पे अपमान हो रहा हो, लेकिन सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। महिला अच्छा, मारा कांग्रेसी सांसदों ने, जिम्मेदार बीजेपी। नहीं, मैं पूरी बात कर लूं, मुझे आप बताए तो मैं अपनी बात कर वहां महिला मार्शल ने अपमान किया महिला सांसद का। महिला सांसद, आप एक वीडियो दिखाते हैं, पहला वीडियो वाला नहीं दिखाते जहाँ पे उसको भी चोट लगी थी, उसके भी धक्के लगे थे। एक बात, दूसरी बात, सुने ना, कहां थे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जब, सुन तो लीजिए, कहां थे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जब महिला का चीरन हुआ था उत्तर प्रदेश में? किसका है बताइए, किसने लिखा? कोई दो शब्द लिखे किसी ने? हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, किस भारतीय जनता पार्टी के नेता लिखा? जरा दिखा दीजिए मुझे। यहाँ पे उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, किस भारतीय जनता पार्टी के नेता लिखा? भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है हमेशा, चाहे सदन के अंदर हो सदन के बाहर। तो आप कह रहे हैं वहां हुआ तो सरकार सदन चला नहीं पा रही है, सदन को ऑर्डर में नहीं ला पा रही है, वहां हुआ तो महिला मार्शल की पिटाई जायज है। मार्केटिंग इवेंट कर रही है, सोचिए, महिला मार्शल की पिटाई जायज है। सुनिए, यहाँ अनुराग ठाकुर को आके सफाई देनी पड़ रही है, उधर पीयूष गोयल दे रहे हैं, उधर ये दे रहे हैं, पूरे मंत्री को लगा दिया गया है टीवीओ पे छा जाओ और झूठ का प्रचार करो। महिला सम्मान की बात करोगे, एक व्यक्ति बताइए जो वहाँ हाथरस की बेटी के घर गया हो, एक व्यक्ति के अच्छा, बताइए कोई नहीं घर गया तो महिला मार्शल की, महिला मार्शल को पीट देंगे। दुशासन है, क्या पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं? कौन गया? कोई हाथरस नहीं गया, कहीं वहाँ कुछ हुआ तो महिला मार्शल की पिटाई जायज है? महिला मार्शल को पीटा गया कांग्रेस सांसदों की तरफ से, आप कह रहे हैं बढ़िया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाथरस में कुछ हुआ था, कहीं और कुछ हुआ था, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, समझ लीजिए आप। और ये सरकार अपने दाग और अपने दामन को, अनुराग पीटने वाली कांग्रेस की सांसद है, करके धो नहीं सकती जनता इनको, 2022 में वोट के माध्यम से धोएगी, 2024 में भी। बोला गया कि कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है क्या? नहीं, जिम्मेदारी सरकार की होती है, सदन आप नहीं चला। जिम्मेदारी सरकार की, पीटने वाली कांग्रेस सांसद, जिम्मेदारी सरकार की।
पीटा कांग्रेस के सांसदों ने, जिम्मेदारी सरकार की, सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा सरकार की जिम्मेदारी है, अनुराग भदौरिया कल को कहीं आप किसी को पीट देंगे सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी। आपसे सदन नहीं चलेगा तो देश अनुराग अभी पता है गाड़ी में बैठे ना, आपकी कहीं गाड़ी वाड़ी टक्कर हो जाए, आप किसी को पीट देंगे तो योगी सरकार जिम्मेदार हो जाएगी। भाव नहीं बना पा रही है, विपक्ष भी सरकार का हिस्सा होता है। सांसदों को बांध कर बैठाएंगे क्या सरकार? विपक्ष को समस्या, क्या कह रहे हैं? विपक्ष समस्या नहीं है, सांसदों को सदन में हाथ बांध कर बैठाया जाएगा क्या? हाथ छोड़ देंगे? आप ये कह रहे हैं क्या? धृतराष्ट्र में भी, धृतराष्ट्र में भी कम से कम वह भीष्म थे, जैसे त्यागी जी बैठे हैं भीष्म के रूप में, जैसे विदुर थे, कम से कम सत्ता पक्ष के साथ रहते हुए भी विरोध की आवाज उठाते हैं। ये है लोकतंत्र, और आप लोकतंत्र की हत्या करते हो, किसी को बोलने नहीं दोगे, सदन चलने नहीं दोगे, आप अपनी मर्जी के चलना चाहते हो, बोलने नहीं दिया जाएगा तो बोलने लायक नहीं छोड़ा जाएगा, सीधी सी बात है। अनुराग ठाकुर बस 100 के पार हो गया, अनुराग भदौरिया 200 रुपए का सरसों का तेल, अनुराग भदौरिया मैं समझ गया भाई, बोलने नहीं दिया जाएगा तो बोलने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। माननीय है सांसद है, क्या क्या कह रहे हैं? बोलने नहीं दिया जाएगा तो बोलने लायक नहीं छोड़ा जाएगा, बोलने नहीं दिया गया तो मारेंगे पीटेंगे, WWE का रिंग बना देंगे संसद को, उसके बाद पेगासस पे बैठ होगी, का रिंग बना दिया संसद को, जो कि बोलने नहीं दिया गया, कैमरे में नहीं दिखाया गया तो कैमरे के चक्कर में पीट दिया। मीटिंग में आपने बात रखी है, मंत्रणा समिति की मीटिंग में बात रखी गई कि किस तारीख को किस, उनका एक बयान सुना देते हैं, उसके बाद अनुराग आ रहा हूं, अनुराग आ रहा हूं क्योंकि आप मुझे पता है पिटाई के साथ हैं, जो महिला मार्शल को पीटा गया उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं एक बार छाया वर्मा जिन पर आरोप है जो वीडियो में दिख रही हैं घसीटते हुए, उनका क्या पक्ष है वो भी आना जरूरी है, कांग्रेस की सांसद सुन लीजिए एक बार। धक्का मुक्की हुआ, आप देखे कितने 100-150 जितने सांसद नहीं हैं उससे ज्यादा मार्शल वहां पे खड़े थे, एक महिला मार्शल थी, उसको हम लोग हटा रहे थे तो पुरुष मार्शल हमको धक्का दिए, ये हमारी सांसद गिर गई, मैं किसी तरह से बची। किसी थे आप बोलिएगा, लेकिन पहले के शर्मा आप बता दीजिए, वो कह रही उन पर भी अटैक हुआ है, छाया वर्मा जी कह रही हैं पुरुष मार्शलों ने उन पर अटैक किया है। नहीं नहीं इनको बंद करा दीजिए, इनका वो चालू हो गया, बंद करा आप मार्शल के द्वारा, शर्मा नहीं चाहिए सरकार, थोड़ा बंद कराइए ना अमन जी, सदन के अंदर में अनुराग नहीं तो क्या है ये? अनुराग आपको तो बोलने दे रहा हूँ ना मैं, आप तो नहीं अटैक करेंगे ना, पार्लियामेंट के अंदर आपको तो मैं बोलने दे रहा हूँ, आप तो नहीं अटैक करेंगे, बस करिए ना, हो गया, चलिए बंद करिए, हो गया, अनुराग 4 मिनट मैंने आपको 5 मिनट दिया, सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया, के शर्मा आप बोले, फिर ऐसी के शर्मा आप बोले, मैं ऑडियो से ही बंद करना चाह रहा हूँ, ये तो जनरेटर की तरह चालू हो जाते हैं, के शर्मा आप बोले, फिर केसी त्यागी और शहजाद पुरवाला, मैं आपको बता दूं उन पर भी अटैक हुआ है, छाया वर्मा कह रही है उन पर भी अटैक हुआ है। अमन जी तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती ना, आपने दिखाया है स्पष्ट रूप से, सुबह से ये चल रहा है, सब लोग इसको देख भी रहे हैं, ये जो छाया वर्मा जो बयान दे रही हैं या जो अन्य कांग्रेस लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही बात है, आज इनको रात को ही इनको समझ, सर मेरे ख्याल से सिग्नल चला गया, केसी त्यागी जी आप बोलिए, फिर मैं अरुण तिवारी जी, हाँ मैं इसीलिए कहने जा रहा हूँ, आगे सिग्नल आ गया, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने आज जानबूझकर नाटक नौटंकी राहुल गांधी और ये 12 पार्टियां मिलकर की कि ये उपसभापति महोदय पर, ये सभापति महोदय पर ये दबाव बनाए उपराष्ट्रपति पर कि ये कार्रवाई ना हो हमारे ऊपर, इसलिए आज इस तरह की नाटक नौटंकी की गई है और अलग अलग इस तरह के बयानबाजी वहां करके और झूठे आरोप लगाए गए हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आपने जो उसमें टीवी में दिखाया जब प्रताप सिंह बाजवा मंच के ऊपर नाच रहे थे, उस दिन तो मार्शल नहीं था, उस दिन आपने टूल बुक उठा के जो है फेंक दिया, इसकी रूल बुक जो है सभापति के मंच की तरफ में, उसकी चोट लग जाती, उसकी क्या हालत होती, लेकिन ये सब उस दिन तो नहीं, आपने जानबूझ के, आपको पता है कि हम पर कार्रवाई हो सकती है इसलिए पहले से दबाव बनाने के लिए, और क्षेत्र में जाएंगे तो जनता पूछेगी तो क्या करके समाजवादी गुंडे इतना झूठ बोलोगे,
पुलिस ने मारा तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपका चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, शर्म आनी चाहिए आपको। महिला सांसद को भी धक्का मारते मार्शल द्वारा, पुलिस मार्शल द्वारा, महिला कैंप बुला लो ना, यदि आप माफिया बुला लो ना तो माफिया राज के बाद वहाँ पे बोला कोई लीडर विपक्ष का नेता बोलेगा तो उसका खत्म हो जाएगा, धक्का मार दिया जाएगा। ये मार्शल के रूप में गुंडे पाले क्या आपके बारे में क्या है, ये किसी को धक्का मारेंगे? ये आप जनता के बीच जाइए तो सही, आप जनता के बीच भी नहीं जाएंगे, हमें काम कर रहे हैं जनता के बीच जाएंगे, आपकी कलम चार देगी जनता। जैसे पिछले गुंडे ले आया क्या उतारी थी, आप जाए रोड पे चलो लोगों का चुनाव हो या महिलाओं का कर दिया, चीरण करते हैं आपके कार्यकर्ता कलम चार के रंग देगी, जिस तरह से महिलाओं का पानी समाजवादी करते हैं अनुराग, मुझे नहीं पता आज आपको महिला मार्शल से इतनी क्या प्रॉब्लम है, उनको आप जानते हैं पर्सनली, आपको उनसे दिक्कत है, उनकी पिटाई हुई है और आप मारने वालों के साथ, मुझे नहीं पता क्या रीजन है। मैं केसी त्यागी अब आप बोलेंगे, फिर शहजाद और किशोर तिवारी में आपके पास आऊंगा, बाकी ऑडियो बंद रहेगा, ऐसे नहीं डिबेट हो पाएगी। केसी त्यागी जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए केसी त्यागी जी? देखिए कार्रवाई तो जनता की नजरों में काफी हो चुकी है और इससे भी ज्यादा डिसरप्शन हुए। मुझको याद है हमारे एक नेता हुआ करते थे मनीराम बागड़ी जी, तो जब ज्यादा डिसरप्शन होता था तो मार्शल उनको उठा करके बाहर ले आते थे और सदन चलता रहता था। ये लोकसभा में थे, राज्यसभा में हमारे नेता थे राजनारायण जी, वो भी इस तरह से अपनी बात को कहने के इतने एग्रेसिव तरीके से रखते थे कि कई बार उनके जैसे सीनियर लीडर को भी बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन हम लोगों के समय में कोई भी मेज पे नहीं चढ़ा, मेज जो है दैट इज़ वेरी पायस प्लेस, जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं आपके, हमारी वही मेज है जिस पर सेक्रेटरी जनरल बैठता है और उसका स्टाफ बैठता है और उसके दूसरी तरफ सभापति बैठता है, और सभापति तो बहुत आते जाते रहते हैं, मेरा स्पेशल उनके लिए सम्मान इसलिए कि 1967 में वो MLA बने थे संयुक्त, उस समय जनसंघ का कोई MLA नहीं बनता था वहाँ पे, और चंद्रबाबू नायडू साथ साथ MLA बने थे, वो अगर उनकी आँख में एक आंसू आया है तो ये लोकतंत्र का आंसू है, ये संसद सब का आंसू है कि इतना सीनियर नेता उसकी आंखों में आंसू आए हों और वो खुद शर्मसार हुआ हो। तो मैं अनुराग भदौरिया जी, मेरे आपके भी जो पुरखे हैं वो इस सदन में बहुत उपद्रव किए, डॉक्टर लोहिया से बड़ा कोई नेहरू और इंदिरा परिवार पर हमला करने वाला नहीं था, जॉर्ज फर्नांडीज थे सदन में बोलते थे तो वो कभी मार्शल की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इसमें हुआ तो क्या बताइए ना, इसी आपको एतराज है, खड़े होकर ये कह रहे हैं कि कोविड से किसी एक की भी मौत नहीं हुई, तब तो नहीं किसको भी भावुक हुआ, पूरा पूरा हिंदुस्तान चला गया, कोई नहीं टोका किसी ने भी, मैं तो आपको मेरे इतने सदस्य मैं तो आपको अपना अभिभावक मानता हूँ, तो आप मेरा साथ दीजिए, ठीक है? नहीं, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से एक व्यक्ति की भी मौत नहीं हुई, तब भी तो ये बात ये टीएस सिंह देव ने कहा, महाराष्ट्र सरकार ने कहा, कांग्रेस की सरकारों ने कहा, देश के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई, सही को सही बोलते हैं, तभी तो मैं आपको रूल्स पता है, फैक्ट पता है आपको, फिगर्स राज्य सरकारें देती हैं, कम से कम खड़े तो हैं, चलिए आंकड़े आंकड़े नहीं दिए तो मारेंगे, बोलने नहीं दिया जाता तो मारेंगे, कैमरे कैमरे पर दिखाई नहीं दिया जाता तो मारेंगे, सांसद है माननीय है क्या है, आप बचा रहे हैं, मैं शहजाद पूनावाला और किशोर तिवारी अब आप बोलेंगे, चलिए एक मिनट, मुझे नहीं पता अनुराग आज आपको महिला मार्शल से दिक्कत क्या है, आपको महिला मार्शल से इतनी प्रॉब्लम है कि आप उनको पीटने वालों के साथ हैं, आपकी पार्टी की लाइन ये आपको क्या के भेजा गया है कि महिला मार्शल के खिलाफ रहे हैं, मुझे नहीं पता, किशोर तिवारी जी और फिर शहजाद तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, किशोर तिवारी, किशोर तिवारी, अनुराग को रोकना पड़ेगा, वो आप ही रोकिए, आपके सहयोगी हैं, आपकी शायद सुन ले, अनुराग थोड़ा मैं बोल लेता हूँ फिर रुक जाओ ना, हाँ बोलिए बोलिए तिवारी जी, किशोर तिवारी आपकी सुन, बोलिए तिवारी जी, फिर शायद देखिए केसी त्यागी जी, मैं आपकी भावनाओं के साथ हूँ और केसी त्यागी जी मैं वेंकटिया नायडू के आंसू के साथ भी हूँ, लेकिन जो कुछ भारत में लोकतंत्र का हो रहा है, जो संसद का हो रहा है, जो हाशिए पे चढ़ गए हैं लोकतंत्र की व्यवस्था, केसी त्यागी जी उस पर भी बात करनी चाहिए,
ये लोग है ना इस प्रकार के, अगर चार भाजपा के सांसद कैबिनेट मिनिस्टर आके कोई बात रखते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ सरकार से भी कोताही हुई है। देखिए विपक्ष को साथ लेके चल नहीं रहे, ये सत्य है। जो वहां पर अलग अलग घूम के झूठ बोल रहे हैं, देखो के मैं तुम्हारे बीच नहीं बोला, के मैं तुम्हारे बीच नहीं बोला, कोविड में कोई सारे समय तो आप ही बोले, अनुराग आके बोला, अनुराग बोला, के तुम बोल रहे, ऐसा थोड़ी है। केसी त्यागी भी आपके साथ बोल रहे, शहजाद भी बोल रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं शर्मसार हूँ और संसद में कांग्रेस की गरिमा बनके रहनी चाहिए, वजह से आप शर्मसार हैं। आपको पक्का है, आपको पता है शिवसेना की लाइन है, आपको पता है ना आप क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस सांसदों के अशोभनीय व्यवहार की वजह से आप शर्मसार हो रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सरकार पक्ष और जिन्होंने मारा वो छाया वर्मा और पीवी नेता में कांग्रेस की सांसद है, उनके व्यवहार से शर्मसार हुई शिवसेना, या वो अच्छा था? मुझे बोलिए ना अमन, मुझे बोलने दो संजय राव, अमन मैं बताता हूँ कि जब फुलो नेताम कहती है कि मुझे मारा गया तो उस मार्शल को वीडियो पर एक शब्द बोल दीजिए, ऐसी भी क्या कांग्रेस भक्ति, आप मेरी बात सुनो, आप बंधन की सरकार के चक्कर में सिद्धांतों की तिलांजलि आप लोग दे रहे हैं, महिला सम्मान एक शब्द तो बोल दीजिए, महिला मार्शल को मारा गया पीटा गया एक शब्द बोल रहे हैं, गलत हुआ, अगर आप शर्म से पानी पानी हो रहे हैं कांग्रेस के मार्शल को मारा गया, वो भी गंभीर बात है, तो चर्चा हो जाएगी, उस पे भी शर्म आ रही। शहजाद पूनावाला को अप करना है, शहजाद त्यागी जी आऊंगा, शहजाद 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 कांग्रेस के व्यवहार से शिवसेना भी शर्मसार हो रही है। देखिए त्यागी जी शर्म से पानी पानी हो रहे हैं, कैसे मारा कांग्रेस के सांसदों ने महिला मार्शल को। शहजाद देखिए एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी अमन जी, एक चीज आपने नोटिस की होगी, केसी त्यागी जी भी बैठे, उन्होंने भी नोटिस की होगी कि एक सांसद केवल बोल दे और यहां पर वीडियो एविडेंस सामने आ जाए कि मार्शल पिट रहा है तो सांसद की बातों का भरोसा जरूर करना, पर मार्शल के साथ एविडेंस है तो उसकी बातों का भरोसा मत करना। मतलब ये मानसिकता भी किस तरीके से क्लासिस्ट मानसिकता अभी किशोर तिवारी ने दिखाई है, और वो वेंकैया नायडू है, वेंकटैया नायडू नहीं है किशोर तिवारी जी। आपके तो नेता कह रहे थे, आप कह रहे शर्मसार हो रहे, वो कह रहे थे पाकिस्तान के बॉर्डर पर आ गया हूं, पर बात यह है ना, ये मेज पर चढ़ने की बात नहीं है, कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसलिए जब तक कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिलेगा तब तक ये मेज पर चढ़कर नाचते रहेंगे। ये रूल की बात नहीं है, ये रूलर कौन होगा उसकी होड़ लगी हुई है, ये इनको रूलर बनने का मौका नहीं मिल रहा इसलिए सारे रूल तोड़ रहे हैं। मैं अभी भी आग्रह करता हूँ मोदी जी बन गए, महिला सम्मान रूलर तो मोदी जी बन गए, कभी राजस्थान नहीं पहुंचती शिवसेना, कभी राजस्थान में हो रहे दलितों आदिवासियों और बाकी महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते। और देखिए समाजवादी पार्टी से पूछना ही व्यर्थ है, किशोर जी आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बन गए क्या? सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी से पूछे गए इनके यहाँ तो ये संस्कृति है कि बाप के हाथ से माइक छीन लिया जाता है, इनके यहाँ पर ये संस्कृति है कि पिताजी का माइक छीन लिया जाता है, इनके यहाँ पर ये संस्कृति है कि बलात्कारियों को कहा जाता है कि ये लड़के हैं गलती हो जाती है तो इनसे तो अपेक्षा नहीं पुरानी बात। किशोर तिवारी जी शुक्रिया, केसी त्यागी जी विशेष तौर पर आपका शुक्रिया, आपने समय निकाला आज भी और कल भी, और शहजाद पूनावाला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोके में मेरे साथ जुड़ने का। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।